अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लूट व चोरी के वाहनों के कत्लगाह मेरठ के सोतीगंज में पुलिस का चाबुक लगातार चल रहा है। प्रदेश स्तर का कबाड़ी माफिया घोषित किए जा चुके हाजी गल्ला के बाद इस धंधे में लिप्त बाकी कबाड़ियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। आज सोतीगंज स्थित हाजी इकबाल की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। अब तक की बड़ी कार्रवाई के रूप में पुलिस ने सोतीगंज बाजार पर अगले आदेश तक के लिए ताला डाल दिया है। खरीद फरोख्त के सत्यापन व एफिडेविट देने के बाद ही ये दुकानें अब खुलेंगी। कई लोगों ने सत्यापन करा लिया है और दुकानें खोल ली हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या उन कबाड़ियों की है जो नाम के तो कबाड़ी हैं लेकिन लूट व चोरी के वाहनों को खपाने के धंधे में लिप्त होकर अरबपति बन चुके हैं। आज हाजी इकबाल की कुर्की के बाद ASP सूरज राय ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, ये मुकदमा अपराध संख्या 219/21 थाना सदर बाजार टीम गैंगस्टर एक्ट का मामला था। इसमें चार वांछित थे, इसमें से एक अपराध पुत्र हाजी इकबाल जो पिछले चार महीनों से फरार चल रहा था, माननीय न्यायालय द्वारा इसको 82 CR भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। उसके बाद माननीय न्यायालय से 83 CRPC जो कुर्की का की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत 2 दिन पहले आदेश हो गया, उसी के अनुपालन में हम यहाँ पे आए हैं और इस संपत्ति की कुर्की कराई जा रही है। सर, अब तक कितने कबाड़ी की कुर्की हो चुकी है? सर देखिए, कई अलग अलग धाराएं हैं, जैसे 14-1 गैंगस्टर है जिसके अंतर्गत हमने 6-7 कुर्कियाँ की हैं, उसके अलावा 83 के अंतर्गत भी कई सारी 5 से ऊपर कुर्की हो चुकी है। कुछ आइडिया सर कितने की कुर्की हो सकती है? एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 25 से 30 करोड़ के ऊपर की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। और अब कितना और कबाड़ी वांछित है सर? वांछित तो कई सारे चल रहे हैं, लगभग 20 से ऊपर लोग वांछित चल रहे हैं विभिन्न मुकदमों में। सर, सोतीगंज में दुकानों के बाहर एक पोस्टर लगाया जा रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ और अपराधी करूँगा तो पुलिस को बता दें। जी, कुछ छोटी दुकानें हैं जिन्होंने इस तरह की बात बताई कि हम केवल रिपेयरिंग और सर्विसेज का काम करते हैं, तो उनके द्वारा एक एफिडेविट लेके आने से और एक उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन किया गया है कि हम कोई भी तरह का कार्य भविष्य में नहीं करेंगे और कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचित करेंगे, ऐसा करके वो अपने द्वारा स्वयं लगाया जा रहा है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। अभी लगातार लोग दे रहे हैं और उनको 5 अगस्त में दिया गया था, 50 से ऊपर फाइल हमारे पास आ चुकी है। इसके लिए हमने सेल्स टैक्स विभाग को लिखा गया कि ये जो सूचना दी गई है इनको संपादित करके इनको तस्दीक करके हमें बताएं कि क्या इनके पास इनके इन्वेंट्री में कोई भी कैचुरी का सामान है या नहीं। सर, आज ये कबाड़ी के किसके क्या नाम है इसका और जिसकी कुड़की हो रही है? अभियुक्त का नाम अपराध। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।